Hello everyone, welcome back to the channel Wornak Language Classes. How are you all? I'm fine over here. I am back with another video for the CUET 2023 English preparation, and in today's video I will be telling you some new advanced English vocabulary that you need for your CUET examination. In the last video I gave you some good words starting from letter A, and today I have brought to you the words that will be starting from B and C. So, मैंने सोचा है कि I will be carrying out this series of vocabulary in an alphabetical order so that it becomes easier for you to write it down in the notebook. कौन सी notebook? याद है ना? वही notebook जो मैंने आपसे last video में कहा था बनाने के लिए, जिसमें आप अपने सारे important words को note down कर लो, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उनके meanings के साथ. और मीनिंग्स भी मैंने आपको कहा था कि आप वो तरीके से लिखना जो आपको समझ में आया हो, बिकॉज नोट मेकिंग इज अकॉर्डिंग टू द पर्सन हु इज मेकिंग द नोट्स, नॉट द पर्सन हु इज आस्किंग यू टू मेक द नोट्स. तो आज की वीडियो शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले फटाफट से जाके सब्सक्राइब बटन को दबा दो, जिसने नहीं दबाया अब तक. जो चैनल पे नए हैं फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो, लाइक वाइक जो भी करना है कर लो यार, जो भी कुछ होता है फटाफट से ये सब फॉर्मेलिटीज को पूरा करो. और लेट्स बिगिन विद द वीडियो. सबसे पहला वर्ड आज का है हमारे पास बैफल. नाउ बैफल इज अ वर्ड जो आज की मॉडर्न इंग्लिश में बहुत यूज होता है. इसको लोग यूज करते हैं एज अ रिप्लेसमेंट टू द वर्ड कंफ्यूज्ड. एक वर्ड और है इंग्लिश में बड़ा ही बढ़िया सा, जिसको हम कहते हैं परप्लेक्स. परप्लेक्स, PERPLEX, परप्लेक्स, कंफ्यूज्ड और बैफल, ये तीनों के मतलब एक ही है. जब आपको समझ ना आए कि करना क्या है, यू से आई एम कंफ्यूज्ड, आप सिंपली बोल सकते हो आई एम baffled. Got it? Next word है barbarous. हाँ, ये बड़ा ही एक ancient सा word है, barbarous. इसका एक और version होता है जिसको हम बोलते हैं barbaric, barbaric या फिर barbaric. मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा काम जो बहुत cruel हो, जो एक इंसान नहीं कर सकता, एक civilized human being नहीं कर सकता, पढ़ा लिखा इंसान नहीं कर सकता, बहुत ही cruel काम, बहुत ही heinous crime हो या कोई बहुत heinous मर्डर या जो भी ऐसी चीजें होती हैं, उसे हम कंसिडर करते हैं बार्बरस में या फिर बार्बेरिक में. नेक्स्ट है बेनिवोलेंस. बेनिवोलेंस एक बहुत ही महंगा वर्ड है, बहुत ही फॉर्मल वर्ड है. इट सिंपली मीन्स ह्यूमैनिटी, और वी कैन से आसान भाषा में हम बोल सकते हैं इसको दैट इट मीन्स अ गुड कैरेक्टर, अ गुड बिहेवियर, अ गुड नेचर. नेक्स्ट है बीविश्ड. बीविश्ड, मैजिकल. मान लो कि एक एग्जाम्पल लेते हैं बढ़िया सा. फॉर एग्जाम्पल आई से दैट ही वॉज बीविज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन्स. ही वॉज बीविज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन्स. मतलब क्या हुआ भाई? वो मंत्रमुग्ध हो गया पहाड़ों की खूबसूरती को देख के. बीविज्ड का अगर हम हिंदी में मतलब समझने की कोशिश करें तो इट बिकम्स मंत्रमुग्ध. इसका एक और वर्ड होता है दैट इज स्पेल बाउंड. वो जब हम एस वाली कैटेगरी में आएंगे तब डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा फिर से. बीवेज मीन्स जब आप किसी भी चीज से इतना ज्यादा फैसिनेट हो जाते हो, इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हो उसकी तरफ, उसे हम बोलते हैं बीवेज्ड. नेक्स्ट वर्ड ब्लीक. ब्लीक बड़ा ही सही है. ब्लीक मीन्स ग्लूमी और डल, बेरंग, कलरलेस, दैट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीक. नेक्स्ट ब्रिटल. ब्रिटल मतलब फ्रेजाइल या फिर डेलिकेट. वो लोग होते हैं ना जो बड़े नाजुक से होते हैं, जिनको हल्की सी चोट लग जाए तो अगले दिन की छुट्टी मार लेते हैं, या फिर जिनको हल्की सी चोट लग जाए तो उनको लगता है कि उन्हें बेड रेस्ट लेने की जरूरत है, जरा सा बुखार आ जाए तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है. ये होते हैं ब्रिटल लोग, जो बहुत ही फ्रेजाइल, बड़े ही कमजोर नाजुक से होते हैं. नेक्स्ट बसल. इस वर्ड को ध्यान देना, इट्स नॉट बस्टल, इट्स बसल. बसल मतलब हॉच पॉच. हिंदी में बोलते हैं ना कि एकदम हॉच पॉच मची हुई थी, भगदड़ मची हुई थी, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए रश. रश का मतलब यहाँ पे भीड़ से नहीं है. रश मतलब जब एकदम भाग दौड़ नहीं मच जाती है, इधर से उधर लोग भाग रहे हो या कोई भी काम जो बहुत तेजी में हो रहा है, हड़बड़ाहट मची हुई है, हलचल मची हुई है, वो होता है हमारा बस. नेक्स्ट है कैलामिटी. लास्ट वीडियो में याद होगा एक वर्ड आया था एडवर्सिटी, ये उसी का सिनोनिम है कैलामिटी. मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे एडवर्सिटी मतलब की आपदा. नेक्स्ट कॉलस. कॉलस मीन्स कोल्ड हार्टेड. कोई ऐसा इंसान जिसको सामने वाले की फीलिंग्स, उसकी
परेशानियों से कुछ भी परेशानी ना हो, कोई भी फीलिंग ना आए उसके दिल में, उसको बुरा ना लगे, तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं अ कॉलस मैन. नेक्स्ट इज कैलमनी. कैलमनी इज टू डिफेम. डिफेम भी किस तरह से, किसी की आप इज्जत कम कर रहे हो, पर कैसे, चुगलियां करके, उसके बारे में बातें दूसरों को बता के, बातें बना बना के आप किसी कहीं और डिलीवर कर रहे हो, बातों को गलत तरीके से आगे बढ़ा रहे हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं टू कैलमनाइज. नेक्स्ट वर्ड है केपेबल. सही वर्ड है, आपने सुना होगा. इट मीन्स जब आप किसी भी चीज को करने के लायक हो, आप केपेबल हो किसी भी चीज को करने के लिए, दैट इज केपेबल. नेक्स्ट इज कैप्टिवेट. कैप्टिवेट मतलब टू कन्फाइन. कन्फाइन का मतलब किसी भी चीज या इंसान को बंद कर देना, कैद कर देना, उसे कहते हैं हम लोग कैप्टिवेट. ठीक. नेक्स्ट वर्ड कैप्टिविटी. इसी वर्ड से बना है ये वर्ड. कैप्टिवेट एक वर्ब है. हम किसी को कैप्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन हम जिसको कैप्टिवेट करेंगे वो कहां होगा, वो कैप्टिविटी में होगा, वो उस कैद में होगा. उसे जब बंद कर दोगे तो वो एक कैद में आ जाएगा, उसे बोलते हैं कैप्टिविटी. नेक्स्ट कैविटी. काफी सिमिलर वर्ड नहीं है कैप्टिविटी एंड कैविटी. वेल कैविटी एक तो होती है दांतों में. बचपन में याद है कीड़े लग जाया करते थे बच्चों के दांतों में, शायद से आप में से बहुतों के लगे होंगे. वेल कैविटी इज नॉट जस्ट दांत के कीड़े. कैविटी इज कहीं पे भी अगर कोई डेप्थ या कोई होल बना हुआ है. फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये बोर्ड है, ठीक है. अब यहां पे अगर मानो मैं एक कील यहां पे ठोक दूं और उस कील को हटा दूं, तो यहां पे एक होल नहीं हो जाएगा छोटा सा, उसी को हम कहेंगे दैट इज अ कैविटी या फिर दैट इज अ होल. नेक्स्ट सीज. आपने न्यूज में एक वर्ड कई बार सुना होगा जब बात इंडिया पाकिस्तान की आती है और एलओसी की आती है, सीज फायर. सुना है? सुना है तो वेल एंड गुड, नहीं सुना है तो आज समझ लो. सीज मतलब होता है टू स्टॉप, रोक देना किसी भी चीज को, उसे हम बोलते हैं सीज कर देना. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड चेस्टाइज. बहुत ही एक एक क्रिश्चियन माइथोलॉजी से ये वर्ड निकला हुआ है चेस्टाइज. चेस्टाइज बाइबल में काफी यूज हुआ है. वेल आई हैवंट रेड द बाइबल बट आई नो कि ये बाइबल से निकला हुआ वर्ड है, इसकी हिस्ट्री वहीं से आती है. चेस्टाइज का मतलब है टू पनिश, सजा देना. चेस्टाइज मीन्स टू पनिश. इधर देख लो भाई, कंपैशन. कंपैशन मीन्स सिंपैथी, होती है ना संवेदना और काइंडनेस. किसी भी इंसान के अंदर जब भलाई होती है तो हम बोलते हैं कि यार ये बड़ा ही कंपैशनेट इंसान है, बहुत ही कंपैशनेट है. नेक्स्ट कंप्राइज. कंप्राइज आपने वर्ड सुना होगा अपने एग्जाम्स में. कंप्राइज बेसिकली मीन्स होता है कि किसी भी चीज में इंक्लूड करना. फॉर एग्जाम्पल दिस वीडियो कंप्राइजेज ऑफ एडवांस्ड इंग्लिश वोकैबुलरी. इस वीडियो में क्या चीज इंक्लूडेड है, इस वीडियो में एडवांस्ड इंग्लिश वोकैबुलरी इंक्लूडेड है. दैट इज द मीनिंग ऑफ कंप्राइज. नेक्स्ट कंसीड. कंसीड मतलब टू एक्सेप्ट, स्वीकार कर लेना किसी भी चीज को, उसे हम बोलते हैं कंसीड कर लेना. नेक्स्ट है कंकर. ये कंकर नहीं है फेंकने वाला, ठीक है, इट्स कंकर. कंकर मीन्स टू एक्सेप्ट, टू अग्री. कंकर मीन्स टू अग्री. अग्री मतलब आप किसी भी बात से जब सहमत होते हो, दैट मीन्स यू कंकर विद दैट पर्टिकुलर थिंग और पर्टिकुलर स्टेटमेंट. नेक्स्ट कंसेंट. कंसेंट मतलब मर्जी, सहमति, रजामंदी. ये सारे जो वर्ड्स है ना हिंदी में, इसी को हम इंग्लिश में कंसेंट बोलते हैं, जब किसी की मर्जी हो किसी भी काम में, रजामंदी हो. नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस. काफी कॉमन वर्ड है. कॉन्सिक्वेंस का मतलब आउटकम या फिर रिजल्ट. नेक्स्ट कंसोलिडेट मतलब किसी भी चीज को ताकत देना, टू स्ट्रेंथन. कंसोलिडेट मतलब होता है टू स्ट्रेंथन. नेक्स्ट वर्ड कंटेम्प्ट. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. सुना है मूवीज में, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, और जो कोर्ट की बात नहीं मानते हैं उनको धमकी दी जाती है कि आई विल सू यू इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. मैं आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुर्म में जेल में डाल दूंगा. ये जज साहब बोलते हैं कई सारी मूवीज में. कंटेम्प्ट मतलब होता है टू डिसरिस्पेक्ट, टू डिसऑनर. किसी भी चीज को जब हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कंटेम्प्ट. नेक्स्ट वर्ड कॉन्ट्रोडिक्ट. कॉन्ट्रोडिक्ट मतलब किसी भी बात के, किसी भी आइडियोलॉजी के, किसी भी इंसान के अगेंस्ट होना, अगेंस्ट जाना, उसे हम बोलते हैं टू कॉन्ट्रोडिक्ट. ठीक है.
आपने अपने इंग्लिश के 12th के एग्जाम में भी मेरे मुंह से वर्ड कई बार सुना होगा, कॉन्ट्रडिक्ट, मतलब कि जैसे कि पैदल क्वेश्चन जो आए थे आपको याद होगा बोर्ड के एग्जाम में, उसमें यही था कि भाई दो पैदल स्टोरीज हैं और दोनों पैदल स्टोरीज में एक सिमिलैरिटी ढूंढी गई है, ठीक है। तो इन द सेम वे मान लो कि अगर दो कैरेक्टर्स हैं जैसे कि मिस्टर लैम और डेरी, आई डोंट नो मुझे दोनों कैरेक्टर्स क्यों पसंद है, मैं अक्सर वीडियोज में इन्हीं को एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूं। वेल एग्जाम्पल अगर आप समझो मिस्टर लैम और डेरी का, तो मिस्टर लैम एक तरफ पॉजिटिव थे, डेरी एक तरफ नेगेटिव था। मिस्टर लैम एक तरफ लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से देखते थे, डेरी एक तरफ बहुत ही बुरी तरीके से देखता था। मिस्टर लैम को अपनी लाइफ से प्यार था, डेरी को अपनी लाइफ से प्यार नहीं था। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, यही होता है कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब कि मिस्टर लैम का कैरेक्टर डेरी के कैरेक्टर को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, मतलब उसके ऑपोजिट में जाता है। गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड है कंट्रेरी। कंट्रेरी और कॉन्ट्राडिक्ट बहुत सिमिलर है, कह लो कि चाचा और ताऊ के बेटे हैं, कजिन से। कैसे? कॉन्ट्राडिक्ट एक काफी सीरियस और काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड है। जब आपको बोलना हो ना कि मैं किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के खिलाफ हूं, तब आप यूज करोगे दैट आई एम कॉन्ट्राडिक्टिंग दिस पर्टिकुलर थिंग और स्टेटमेंट। लेकिन कंट्रेरी का मतलब क्या हुआ? कंट्रेरी मतलब जब आप सिंपली बताना चाह रहे हो कि भाई एक चीज ये है, एक पहलू ये है और दूसरा पहलू दूसरी तरफ ये है, तो ये दूसरी तरफ जो हम बोलते हैं ना, दिस मीन्स कंट्रेरी या फिर ऑन द कंट्रेरी, ये होता है हमारा कंट्रेरी का मतलब। और कंफ्यूज मत होना, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब तब यूज करना है जब बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देना हो किसी भी चीज के अगेंस्ट, और कंट्रेरी हम सिंपली जब बोलते हैं कि दूसरी तरफ या दूसरे हाथ पे या दूसरी तरफ, या अगर दूसरी तरफ हम देखें तो ये बात है, या फिर एक तरफ ये है दूसरी तरफ ये है, ये होता है हमारा कंट्रेरी। आई होप ऑल दीज वर्ड्स वर क्लियर टू यू एंड आई होप आपको ये वर्ड्स समझ के मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो फटाफट से लाइक बटन को जरूर दबा दो, शेयर वेयर करना है जो भी करना है वो कर दिया करो। बार बार कहना मुझे भी याद नहीं रहता, मैं बार बार रिमाइंड कराता हूं अपने आप को, अक्सर भूल भी जाता हूं, बट आई गेस कहना पड़ता है क्योंकि कहे बिना जल्दी काम हो नहीं पाता, सो दैट इज व्हाई आई से एवरी टाइम। वेल आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन प्लीज टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।